अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर जरूर बताना और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं मोमो को उसके मॉम डैड बताते हैं कि तुम हमारी बायोलॉजिकल बेटी नहीं हो, तुम्हारे बायोलॉजिकल मॉम डैड सिटी में हैं, इसलिए मोमो सिटी में आती है। पर वो सैड थी। एक लड़का वॉशरूम में घुस आया था तो वो कहती है, हेलो मिस्टर, ये वुमेन्स वॉशरूम है। वो उसे देखने लगा था, गुंडे उसके पीछे पड़े थे इसलिए वो उसे पकड़ के किस करने लग जाता है और गुंडे उन्हें बिजी देख वहाँ से चले जाते हैं। पर मोमो से धक्का मार देती है क्योंकि उसका तो पहले से मूड खराब था और चली गई थी। पर वो लड़का कहता है, अच्छा तो ये है मेरी फ्यूचर वाइफ। दिन में वहाँ पर बॉडीगार्ड्स आ गए थे और बताते हैं कि आपके पेरेंट्स ने बुलाया है। इधर मोमो बाय फैमिली में आती है क्योंकि उसके मॉम ने बताया था कि बाय फैमिली उसकी रियल फैमिली है। बट वो लोग कहते हैं, हमारी बेटी बैजी की जगह तुम्हें यीचन से शादी करनी होगी क्योंकि तुम्हारे अडॉप्टेड मॉम डैड ने हमसे पैसे लिए हैं, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वरना पैसे वापस करो। वो कहती है, मैं क्यों वापस करूँ जब मैंने लिए नहीं। तो डैड कहते हैं, तेरा एक छोटा भाई भी है ना, अगर उसकी सलामती चाहती है तो तुझे जीचन से शादी करनी होगी। तो वो कहती है, ओके मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ, पर शादी के बाद मेरा तुम्हारी बाय फैमिली से कोई लेना देना नहीं होगा। इधर हम जीचन को देखते हैं। जीचन जो हमारा मेल लीड है, उसके मॉम डैड भी उसके साथ बहुत रूडली बिहेव करते हैं क्योंकि उसकी स्टेप मॉम है। यहाँ तक कि जीचन को जो उसके ग्रैंडपा ने शेयर दिए थे वो भी उससे वापस मांग रहे थे। तो जीचन कहता है, ओके मैं तुम लोगों को अपने शेयर देने के लिए रेडी हूँ, पर उसके बाद से मेरा तुम लोगों की फैमिली से कोई लेना देना नहीं होगा। फिर हमें पता चलता है कि मिस्टर जीचन ब्लू कंपनी का बॉस है जो यहाँ की सबसे बड़ी कंपनी है, बट किसी को भी उसकी इस आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता। असिस्टेंट मिस्टर जीचन को बताता है कि ग्रैंडपा ने आपके लिए जो लड़की ढूंढी थी वो तो बहुत पुअर है, पढ़ाई भी कर रही है और साथ में पार्ट टाइम जॉब भी कर रही है, और तो और वो एक अनाथ बच्चे को भी पाल रही है। मिस्टर जीचन कहता है, मेरी फियांसे तो काफी इंटरेस्टिंग है। युआन उसे बाय फैमिली से बाहर निकाल रही थी पर मोमो खुद को बचा रही थी तो युआन जानबूझ के गिर जाती है। तो मॉम मोमो के थप्पड़ मारती हैं और कहती हैं, तेरी सिर्फ जीचेंग से शादी होगी। इनफैक्ट जीचेंग के बारे में ये र्यूमर्स हैं कि वो अपने मॉम डैड का इलेजिटिमेट चाइल्ड है, इसलिए उसे अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं मिलेगा। अपने भाई को बचाने के लिए मोमो कहती है, जीचेंग चलो शादी कर लेते हैं। पर जब वो उसे देखती है तो पहचान लेती है कि यही तो उसे किस करने वाला है। जीचेंग कहता है, लगता है फर्स्ट किस की वजह से तुम्हें फर्स्ट साइट लव हो गया मुझसे, चलो दोबारा कर लेते हैं, और उससे फ्लर्ट करने लगा था। पर मोमो कहती है, क्यों ना हम फेक मैरिज कर लें, अपना अपना काम बनते ही बाद में डाइवोर्स कर लेंगे। वो कहता है, डायरेक्ट मना कर दो ना। तो कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, वरना बाय फैमिली बार बार मुझे परेशान करती रहेगी। अच्छा होगा जल्दी से नकली शादी कर लें, बदले में तुम्हें जो चाहिए बता दो। जी चेंग उससे अभी भी फ्लर्ट कर रहा था तो वो समझ जाती है और कहती है, ओके। वो कहता है, पर मैं तुम्हारा खर्चा नहीं उठा पाऊंगा। तो कहती है, कोई बात नहीं मैं तुम्हें भी सपोर्ट कर दूंगी। मिस्टर जीचेंग कहता है, मेरी फियांसे तो बहुत अच्छी है, मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट भी करना चाहती है, और किस करने के लिए क्लोज होने का था बट वो नर्वस हो रही थी तो बाय करके चला जाता है। फिर मिस्टर जीचेंग असिस्टेंट की हेल्प से मोमो को अपनी कंपनी में जॉब दिला देता है, पर मोमो को लैंडलॉर्ड उसका सामान बाहर फेंक देता है। वो कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने तो कहा था मैं यहाँ पे 1 ईयर के लिए रेंट पे रह सकती हूँ। बट लैंडलॉर्ड कहता है, तुम्हारे उस जीचेंग से शादी होने वाली है, उस इलेजिटिमेट से, मैं ऐसे इंसान को नहीं रख सकता। इतने में वहाँ पर जीचेंग आ गया था और कहता है, चलो मैरिज सर्टिफिकेट लेने चलें, और दोनों ने शादी कर ली थी। तो मोमो से बताती है कि मेरी अभी अभी ब्लू कंपनी में जॉब लगी है, बहुत सारी सैलरी मिलेगी। वो खुश हो रही थी पर तभी जाते हुए देखती है कुछ बॉडीगार्ड्स उस लैंडलॉर्ड का सामान बाहर फेंक रहे थे और मिस्टर जीचेंग हंस रहा था, यानी ये उसी ने किया है। फिर वो उसे घर खरीदने के लिए लाया था तो कहती है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। वो कहता है, कोई बात नहीं, मेरे बड़े भाई ने मुझे अपना बैंक कार्ड दिया है और मोमो के नाम पे एक घर खरीद लेता है। वो खुश होती है तो कहता है, अब तो मेरा थैंक यू कैसे करोगी। मोमो कहती है, मैं अभी रेडी नहीं हूँ। जीचेंग कहता है, यानी तुम चाहती हो, बस अभी रेडी नहीं हूँ, और उसके गाल पे किस कर देता है। फिर वो उसे रिंग देने लगा था तो कहती है, तुम पैसे वेस्ट क्यों कर रहे हो। जीचेंग कहता है, मैंने तो ये ऑनलाइन खरीदी थी, सिर्फ 100 रुपए में मिल गई। मोमो कहती है, ये घर तो बहुत बड़ा है, क्यों ना हम 3 रूम वाला घर ले ले। तो मिस्टर जीचेंग असिस्टेंट को फोन कर कहता है, जल्दी से 3 रूम वाला घर ढूंढ दो। असिस्टेंट को लगता है कि वो बैंकरप्ट हो गया तभी इतने छोटे घर में रह रहा है। तो मिस्टर जीचेंग कहता है,
तुम्हें लगता है कि मुझे पैसों की कमी होगी? मेरी वाइफ ने कहा है तो चुपचाप ऐसा करो। और हाँ, ध्यान रखना कि मेरी वाइफ को कोई बुली ना करे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसे पता नहीं लगना चाहिए कि मैं यहाँ का बॉस हूँ। फिर नेक्स्ट डे मिस्टर जी चैन उसे गिफ्ट देता है तो कहती है, तुम कहाँ से लूट के लाए हो? वो कहता है, मेरे पास इतने पैसे कहाँ से होंगे, मैंने तो रेंट पे लिया है। और वो नेकलेस उसे पहना देता है और फिर कहता है, ये ड्रेस भी ट्राई करो। जब वो न्यू ड्रेस पहन के आती है तो वो उसे देखते रह गया था। और दोनों साथ में खाना खाने आते हैं, बट तभी मिस्टर जी चैंग को उसके असिस्टेंट का कॉल आ गया था। वो बात करने चला गया था और एक लड़की मोमो को पकड़ के अंदर ले जाती है। वहाँ पे यान भी थी और उसके थप्पड़ मारने वाली थी, पर वो उसका हाथ पकड़ लेती है। बट वो गर्ल्स अंदर से गेट बंद कर लेती हैं और फिर सब मिलकर उसे बुली करने लगे थे। तो कहती है, तूने जरूर ये फेक नेकलेस पहना होगा, तेरा पति तो अफोर्ड कर नहीं सकता, और ये ड्रेस भी सेकंड हैंड उठाई होगी। तो वो जी चैंग को वास मार रही थी, तभी जी चैंग आ जाता है और आते अपना बेसर उड़ा देता है। तो कहता है, सॉरी मैं लेट हो गया। वो गर्ल्स बॉडीगार्ड्स को बुला लेती हैं, तो जी चैंग एक एक करके सबको धो डालता है। एक लड़की कहती है, अगर तुम यहाँ से गए तो मैं ब्लू कंपनी के बॉस से कहकर तुम्हें फायर करवा दूंगी। जी चैंग कहता है, तुम तो आज तक सीओ से मिले भी नहीं हो, और ये नेकलेस लिमिटेड एडिशन है, और मोमो की ड्रेस 50 मिलियन की है, जो तुम लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते। देखता हूँ कैसे तुम लोग कंपनसेट करोगे। और उसे ले जाता है। मोमो उसको थैंक यू करती है और पूछती है, नेकलेस और ड्रेस के बारे में तुमने क्या कहा था? वो कहता है, मैंने तो उनसे झूठ बोला था, बाकी गर्ल्स पे सच में उसने केस कर दिया था। और यान के डैड आकर उसे मारते हैं कि ब्लू कंपनी के सीईओ ने हमें कंपनसेट करने को कहा है। मिस्टर जी चैंग असिस्टेंट से पूछता है, काम हो गया सब गर्ल्स का? तो वो कहता है, बॉस एकदम टकाटक। यान मोमो से बदला लेना चाहती थी, इसलिए एक प्लान बनाती है। इधर मोमो अपने भाई को स्कूल में हंसकर ढूंढ रही थी, वो नहीं मिल रहा था। तभी उससे आवाज आती है, सिस्टर मुझे बचा लो। और वो देखती है उसे एक रूम में बंद किया हुआ है, वो रस्सी से बंधा हुआ था, तो उसे खोल के बचा लेती है। पता चलता है उसे स्कूल के टीचर्स ने ही क्लास में लॉक कर दिया था, और ऊपर से उसे नाथ बोलकर उसका मजाक बना रहे थे। जी चैंग कहता है, मोमो तुम अपने भाई को लेकर घर जाओ, मैंने हैंडल कर लूंगा। और फिर वो स्कूल को बाय कर लेता है। मोमो जब जा रही थी, टीचर्स उससे माफी मांगने लग जाते हैं और पैरों में पड़ गए थे कि प्लीज हमारी जॉब बचा लो। मोमो अपने भाई से पूछती है, क्या तुमने इन्हें माफ कर दिया? वो हाँ कर देता है। तो मोमो कहती है, ओके, पर तुम लोग टीचर्स हो तो अपने स्टूडेंट्स के साथ हमेशा इक्वल और अच्छा बिहेव करना चाहिए। तो वो लोग सॉरी बोल के चले जाते हैं। फिर मिस्टर जी चैंग उन दोनों को एक शॉप पे लाता है जहाँ पे फ्लावर्स ही फ्लावर्स थे, और कहता है, मुझे पता है तुम्हें फ्लावर्स बहुत पसंद है, तो ये फ्लावर्स तुम्हारे लिए। और फिर उन दोनों को स्वीट्स खाने के लिए लेके आता है। मुझे पता है तुम्हें आइसक्रीम भी बहुत पसंद है, ये रहा वीआईपी कार्ड, तुम जब मर्जी आके यहाँ पे आइसक्रीम खा सकती हो। इनफैक्ट मोमो के भाई ने ये सब कुछ मिस्टर जी चैंग को बताया था ताकि वो उसकी सिस्टर को इम्प्रेस कर सके। पार्टी में गर्ल्स बातें कर रही थी कि जो भी ब्लू कंपनी के सीईओ की वाइफ बनेगी उस लड़की के तो मजे आ जाएंगे। वहाँ पर भाई फैमिली की यान और उसके मॉम डैड भी आए हुए थे। उसके मॉम डैड कहते हैं, तुम ब्लू कंपनी के सीईओ को अच्छे से पटा लेना। तो वो भी ये सोच के खुश हो रही थी। मैनेजर से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट भूल आया था, मोमो वो ले आई थी, तो वो थैंक यू करते हैं। इतने में वहाँ पर मिस्टर जी चैंग आ जाता है, तो सब लोग उसे बॉस बोल के उसके आगे सर झुका रहे थे, पर मोमो के तो होश उड़ गए थे। यान सोचती है, ये इलेजिटिमेट चाइल्ड ब्लू कंपनी का सीईओ कैसे हो सकता है? तभी जी चैंग के डैड आकर उसके थप्पड़ मारने वाले थे, पर असिस्टेंट उनका हाथ पकड़ लेता है। इनफैक्ट जी चैंग ने ब्लू कंपनी का सीईओ बनके डैड की कंपनी के भी शेयर्स खरीद लिए थे, इसलिए डैड गुस्सा होते हैं कि शेयर्स वापस कर। वो कहता है, वो मैंने अपने पैसों से खरीदे हैं, अगर वापस लेने हैं तो 10 बिलियन दो। इनफैक्ट मिस्टर जी चैंग ने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो अपनी मॉम की मौत का बदला लेना चाहता था। उसके डैड और स्टेप मॉम ने मिलके उसकी मॉम को बहुत बुली किया था, और कहता है, बड़ा भाई बाय फैमिली की बेटी से शादी नहीं करना चाहता था, तो जबरदस्ती उस लड़की की शादी मुझसे करवा रहे थे अपने कोऑपरेशन के लिए। मोमो सोचती है, यानी तुमने बदले के लिए मुझसे शादी की? जी चैंग के पास ऑलरेडी ब्लू कंपनी थी, पर उसने अपने डैड की कंपनी भी ले ली थी, इसलिए डैड की तबीयत खराब हो जाती है। उसका बड़ा भाई आकर कहता है, तुझे शर्म नहीं आती, ये तेरे भी डैड है। जी चैंग कहता है, मैंने अपने डैड नहीं मानता। पर मोमो वहाँ से भागने लगी थी तो उसे देख लेता है और ढूंढने लगा था, तो यान उसका हाथ पकड़ लेती है, बट वो हाथ छुड़ा के भाग जाता है। जी चैंग कहता है, मोमो गेट खोलो, मुझे तुम्हें सारी बात बतानी है। वो गेट खोल कहती है, तुम्हारा बदला पूरा हो गया तो अब यहाँ क्यों आए हो? वो कहता है, ऐसा नहीं है, और उसे किस करने लगा था, बट वो उसके थप्पड़ मार के गेट बंद कर लेती है। फिर जी चैंग स्पीकर लेकर कहता है, वाइफ प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने बदला लेने के लिए तुम्हारा कभी यूज नहीं किया,
जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी मैं नहीं जाऊंगा। वो बारिश में भीग रहा था तो वो अम्ब्रेला लेकर आती है और फ्लावर बुके फेंक कर कहती है जाओ यहाँ से। जी चंग कहता है बड़े भाई की शादी येन से होने वाली थी पर मुझे तो तुम्हें देखते ही फर्स्ट साइट लव हो गया था। और उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। उनका अम्ब्रेला गिर गया था और दोनों किस करने लगे थे। फिर वो उसे गोद में उठाकर अंदर ले आता है और कहता है क्या तुम रेडी हो। मोम कहती है प्लीज मुझे कभी धोखा मत देना। जी चंग शावर ऑन कर देता है और दोनों किस करने लगे थे। नेक्स्ट सीन में दोनों साथ थे तो वो कहती है अब तो हम रियल कपल है ना। वो कहता है और नहीं तो क्या अब से तुम मेरी वाइफ हो। मोमो कहती है पर मैंने सुना है शादी के बाद लड़के बदल जाते हैं तुम तो नहीं बदलोगे ना। वो कहता है नहीं तो और दोनों किस करने लगे थे। नेक्स्ट डे मोमो को मॉर्निंग में मैसेज आते हैं और देखती है जी चंग की येन के साथ बहुत सारी फोटोज। तो वो उठाकर फोटोज दिखाती है और घर से बाहर भगा देती है। वो कहता है मेरे विश्वास करो ऐसा कुछ भी नहीं है बट वो गेट खोल के उसका सामान भी बाहर फेंक देती है। मिस्टर जी चंग असिस्टेंट को फोन करता है तो असिस्टेंट बताता है कि ये एआई से एडिट करी हुई फोटोज हैं जो येन ने एडिट करवाई थी। मिस्टर जी चंग येन के घर आता है और उसके बॉडीगार्ड्स आते ही येन को पकड़ लेते हैं। मोमो जा रही थी तो वो उसका हाथ पकड़ कहता है क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। वो हाथ छुड़ाती है तो क्यों उसे किस कर देता है बट वो उसके पैर पे पैर मार देती है। तो जी चंग उसे सारी बात बताता है कि येन ने एआई से एडिट करवाई थी और कहता है कल मैं एक इन्वेस्टर से मिलने वाला हूँ तो तुम भी मेरे साथ चलना पर दोबारा जेलस मत हो जाना। वो कहती है मैं कब जेलस हुई थी। जैसे ही वो दोनों पार्टी में आते हैं एक लड़की मिस्टर जी चैंग को हक कर लेती है। मोमो एकदम हैरान तो वो बताता है कि मोमो मेरी वाइफ है और ये येन है इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जो हमारी फॉरेन ब्रांच में काम करती है। दोनों हेलो करती है और एक दूसरे को घूर रही थी। जी चैंग को उससे बात करता देख मोमो जेलस हो रही थी। वहीं पे एक आदमी ड्रिंक करता हुआ बेहोश हो जाता है। मोमो भागकर जा कहती है इसे हार्ट अटैक आया है जल्दी सब लोग दूर हो जाओ। जी चंग कहता है हमें डॉक्टर का वेट करना चाहिए बट वो कहती है नहीं लेट हो जाएगा और उसे बचाने लगी थी जिससे वो आदमी होश में आ जाता है और एम्बुलेंस उसे ले जाती है। जिन कहती है तुम तो सच में टैलेंटेड हो पर किसी अजनबी आदमी को टच कर रही थी। मोमो कहती है किसी की जान बचाना मेडिकल स्टूडेंट्स का मिशन है और बताती है कि वो अभी मेडिसिन की पढ़ाई कर रही है। जी चंग कहता है मेरी वाइफ तो बहुत स्मार्ट है। उन दोनों को ऐसे देख यिन जेलस होती है और कहती है हम कितने दिनों बाद मिले हैं। जी चंग चलो बाहर जाने की बात करते हैं बट वो उसका हाथ छुड़ा कहता है नहीं मुझे अपनी वाइफ के साथ जाना है। वो सब लोग एक विला में रुके हुए थे और ये दोनों रूम देखने आते हैं। जिन कहती है पता नहीं जी चंग ने तुम्हारे जैसे इतनी नॉर्मल लड़की से शादी क्यों की। एक बार तो उसकी मुझसे शादी होने वाली थी क्या तुम्हें पता है। मोमो कहती है मुझे जानने की जरूरत भी नहीं है मुझे अपने हस्बैंड पे पूरा भरोसा है। मिस्टर जी चंग किसी से फोन पे बात कर रहा था तुम मेरे लिए दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट हो। तो मोमो ये सुन जेलस हो जाती है और किचन में चली गई थी बट रियल में जी चंग तो अपनी ग्रैंडमा से बात कर रहा था। जी चंग अगर उससे बात करता है तो वो कहती है क्या हुआ क्या तुम्हें उस येन की चिंता हो रही है। वो कहता है नहीं तो तुम ऐसे क्यों कर रही हो तुम्हारा येन के साथ एटीट्यूड थोड़ा अजीब है। मोमो कहती है अच्छा हाँ हाँ उसकी तुम्हारे साथ शादी होने वाली थी ना। जी चंग कहता है मुझे नहीं समझ में आ रहा तुम क्या बोल रही हो पर हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है हम सिर्फ वर्क पार्टनर हैं। तभी यिन उसे डॉक्यूमेंट देने आती है। जी चंग को फोन आ गया था वो बात करने चाहता है। यिन मोमो से कहती है जब भी सीईओ को मेरी हेल्प की जरूरत पड़ती है मैं हमेशा उसकी हेल्प करती हूँ तुम्हारी तरह नहीं हूँ सिर्फ जेलस होती रहूँ। लड़के लड़कियों की क्वालिफिकेशन देखते हैं। मोमो उसकी फाइल छीन के खुद देखने लगी थी और कहती है तुमने तो कैलकुलेशन ही गलत कर रखी है। यिन कहती है ऐसा कैसे हो सकता है। तभी जी चंग आ जाता है और कहता है मेरी वाइफ पब्लिक अकाउंटेंट में माहिर है तो दोबारा चेक करो तुम्हारी कैलकुलेशन रॉन्ग होगी। वो चली गई थी। यिन कहती है हाँ सॉरी मुझसे गलती हो गई। मोमो जाकर गेट बंद करने लगी थी बट वो आकर उसे पकड़ लेता है। वो उसे धक्का मार कहती है यिन बोल रही थी कि तुम्हारी उससे शादी होने वाली थी इसका क्या मतलब है। वो कहता है अच्छा तुम ऐसे इसलिए बिहेव कर रही थी। यिन का एक्स बॉयफ्रेंड उसके पीछे पड़ा था पर उसकी वजह से यिन सही से काम नहीं कर पा रही थी तो मैंने उस कमबैक को झूठ बोल दिया था कि हमारी शादी होने वाली है। मोमो कहती है अच्छा तो तुम अभी किससे फोन पे बात कर रहे थे जो तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जी चंग कहते हैं वो मेरी ग्रैंडमा है और फिर बताता है कि मैं अपनी फैमिली में सिर्फ ग्रैंडमा को सबसे ज्यादा लाइक करता हूँ तो हम दोनों उनसे मिलने चलेंगे। और दोनों किस करने लगे थे वो दोनों साथ में रोमांस कर रहे थे। तभी ये भगी भगी आती है और बताती है कि एम्प्लॉयज को अचानक से पता नहीं क्या हो गया मैंने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया है वो आती होंगे। वो दोनों आकर देखते हैं एम्प्लॉयज बेहोश पड़े हैं और उल्टी कर रहे थे तो मोमो कहती है जरूरी ने फूड पॉइजनिंग हुई होगी। और जल्दी से दोनों ग्लास उठाकर लाते हैं और उन्हें सॉल्ट वाटर देने लगे थे।
जिन कहती है, जी चेंग मेरे पैर में चोट लग गई, बट वो उस पर ध्यान ही देता और मोमो की हेल्प कर रहा था। तो जिन जानबूझ के मोमो से जाकर कहती है, तुम ये क्या कर रही हो। मोमो से दूर हटाती है बट वो जानबूझ के गिर जाती है। जिन कहती है, मोमो तुमने मुझे धक्का क्यों मारा। वो कहती है, मैंने तुम्हें धक्का नहीं मारा, मैंने तो बस टच किया था। जी चेंग जिन को उठाता है, उसकी चोट लगी थी तो वो उसे हॉस्पिटल ले जाने लगा था। मोमो कहती है, मैंने उसे धक्का नहीं मारा बट वो चले गया था। जब वो हॉस्पिटल में आती है तो देखती है कि जी चेंग जिन की दवाई लगा रहा है। जी चेंग कहता है, मोमो मैंने देखा था तुमने इसे धक्का मारा, माफी मांग लो। मोमो कहती है, मैंने धक्का नहीं मारा। जिन कहती है, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, बट मोमो गुस्से चली जाती है। जिन कहती है, तो मोमो के पीछे जाओ, स्टाफ का मैं ध्यान रख लूंगी। बट नर्स आकर कहती है, इनकी काफी चोट लगी है, आप ही मेडिसिन ले आइए। जी चेंग सोचता है, मोमो सॉरी, मैं सिर्फ तुम्हारा हस्बैंड ही नहीं हूँ, कंपनी का बॉस भी हूँ, मैं एम्प्लॉयज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता। और मेडिसिन लेने जाता है, पता चलता है कि यिन ये सब नाटक कर रही थी और ये तीनों एम्प्लॉयज भी। यिन उन्हें पैसे दे देती है तो वे एम्प्लॉयज खुश होकर उसकी तारीफ करने लगे थे। इधर जी चेंग मोमो को फोन करता है बट मोमो अपना सामान लेके जा रही थी और फोन काट देती है। जी चेंग उसे ऑडियो मैसेज भेजता है कि ऐसा नहीं है, मुझे तुम पे विश्वास नहीं है, पर बॉस होने के नाते मुझे ऐसा करना पड़ेगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। पर देखता है वो जा रही है तो उसे रोकने लगा था, बट पता चलता है वो तो कोई और लड़की है। इधर मोमो भी अपना सामान लेके घर से आ गई थी बट अचानक से चक्कर खा के गिर जाती है। एक कार वाला उसे देख लेता है तो उसकी हेल्प करने लगा था और कहता है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। फिर वो उसे उठाकर हॉस्पिटल ले आया था। वो पूछती है, कौन हो तुम। तो बताता है कि एक बार माउंटेन पे मैं बेहोश हो गया था, तब तुमने मेरी हेल्प की थी, थैंक गॉड हम दोबारा मिल गए। वो कहती है, कोई बात नहीं, तुमने भी मेरी हेल्प करके हिसाब छोटा कर दिया। हाओ का असिस्टेंट उसके कान में कुछ कहता है तो वो जल्दी का बोलकर चला गया था। जी चेंग मोमो को ढूंढने जाने वाला था तो जिन कहती है, तुम्हें कंपनी को हैंडल करना चाहिए, मेरी वजह से तुम्हें गलत फहमी हुई है ना, तो मैं मोमो को ढूंढ लेती हूँ, और चली गई थी। और इधर जी चेंग किसी क्लाइंट के साथ कॉपरेशन कर रहा था तो सोचता है, बड़े भाई मैं तुझे कंपनी के शेयर्स नहीं लेने दूंगा। उसका भाई हाओ आता है तो कहता है, इस बार मैंने तुझे हरा दिया। हाओ कहता है, कोई बात नहीं, मैं वापस छीन लूंगा। उसके चाहते ही जी चेंग फोन पे कहता है, जल्दी जल्दी मोमो को ढूंढो, चाहे कुछ भी हो जाए। हाओ हॉस्पिटल में आके पूछता है मोमो के बारे में बट वो तो डिस्चार्ज होकर चली गई थी और उसे थैंक यू नोट दे गई थी। मोमो जा रही थी तो वो कार लेके आ जाता है और कहता है, तुम्हें कहाँ जाना है, मैं तुम्हें अपनी कार से छोड़ दूंगा। पहले तो मोमो मना कर रही थी कि मुझे तो गांव जाना है, वो कहता है मैं भी गांव जा रहा हूँ। तो मोमो सोचती है, चलो कोई बात नहीं, टैक्सी तो लेनी है तो उसकी गाड़ी से चली जाती हूँ, पैसे दे दूंगी, और उसके साथ चली जाती है। वो सैड लग रही थी तो कहता है, चलो रास्ते में कुछ खा लेंगे। मोमो सो गई थी तो उसे टच करने की हिम्मत नहीं कर पाता और उसे उठाता है। वो खाना खा रहे थे पर मोमो अभी भी सोच रही थी कि क्या जी चेंग अब भी उस यिन के साथ होगा। पहले तो मोमो फोन उठा रही थी, जैसे वो बात करने बाहर जाती है वेटर हाउस से कहता है, क्या तुम उस लड़की को लाइक करते हो, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, और उसे फ्लावर बुके दे देता है। हाओ ने वो फ्लावर बुके ले लिया था। जी चेंग मोमो से पूछ रहा था कि तुम कहाँ हो। वो कहती है, क्यों तुम्हें ये लगता है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। जी चेंग कहता है, ऐसा मत कहो, उस सीन वाले बात को जाने दो ना, और वो फोन काट देती है। हाओ फ्लावर बुके लाता है बट फ्लावर्स देख मोमो को याद आता है कि जी चेंग ने उसे भी बहुत सारे फ्लावर्स गिफ्ट किए थे। उसको सैड फेस देख हाओ कहता है, अगर तुम्हें पसंद नहीं तो कोई बात नहीं। वो कहती है, नहीं तो फ्लावर्स की क्या गलती, और फ्लावर बुके ले लेती है। फिर मोमो सैड बैठी थी और कहती है, जी चेंग भी बाकी जैसे निकला। येन और उसकी मॉम आकर उसके पैरों में गिर जाते हैं। मॉम कहती है, प्लीज हमें माफ कर दो, हमारी कंपनी को बचा लो, हमारी वजह से तुम्हारी लाइफ खराब हुई है ना, तो तुम जी चेंग को डिवोर्स दे दो, येन उससे शादी कर लेगी। मोमो कहती है, तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या, और मना कर देती है। तो मॉम उसको थप्पड़ मार देती है बट तभी जी चेंग आकर मॉम के थप्पड़ मार देता है और वो दोनों भाग गई थी। जी चेंग मोमो से माफी मांगने लगा था। वो कहती है, तुम मुझे पैसे देकर माफी मांग रहे हो। वो कहता है, नहीं तो ये तो तुम्हारी सैलरी है, और मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं, मेरे और जिन के बीच में कुछ भी नहीं है। तो मोमो कहती है, कोई भी वाइफ ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका हस्बैंड उसकी बजाय दूसरी लड़की को प्रोटेक्ट करे। जी चेंग कहता है, मैं बस बॉस होने की वजह से ऐसा कर रहा था। तभी उसे फोन आता है, वो भी यिन का। वो जल्दी से फोन बंद कर देता है। मोमो कहती है, फोन उठा लो ना, और चली गई थी। फिर जी चेंग अपने असिस्टेंट से कहता है, यिन के बारे में जो भी काम होगा वो सब तुम्हें देखना है। असिस्टेंट वाज लाइक, बॉस तुम मेरा प्रमोशन कर रहे हो। वो कहता है, हाँ हाँ तुम मेरा भी काम संभाल ले सारा, मैं बस ये चाहता हूँ उस यिन के चक्कर में मेरे और मेरी वाइफ के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, और हाँ भाई फैमिली की कंपनी को अभी कभी बैंकक्रप्ट कर दो।
असिस्टेंट जाने लगा था तो उसके कान में कहता है एक इम्पोर्टेंट बात। नेक्स्ट सीन में मोमो जा रही थी तभी टेडी बियर आता है उसके पास और वो उससे माफी मांग रहा था। मोमो को हंसी आ रही थी तो कहती है तुम्हें क्या लगता है ऐसे में तुम्हें माफ कर दूंगी। वो कहता है सॉरी मैंने पिछली बार गलती की थी पर आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, तुम्हें भी मेरे पर भरोसा रखना चाहिए। वो कहती है मेरी गलती है अचानक लगी थी। तो पकड़ कहता है ऐसा नहीं है, जब हम दोनों एक दूसरे को लव करते हैं तो हमें एक दूसरे पर भरोसा भी होना चाहिए। मोमो कहती है मैं क्या करूं, मेरे अडॉप्टेड मॉम डैड ने मुझे धोखा दिया, मेरे बायोलॉजिकल मॉम डैड ने मुझे धोखा दिया, अब मुझे इस दुनिया पर भरोसा नहीं है। तो वो उसे हंसकर कहता है अब से मैं सिर्फ तुम्हें लव करता हूँ और हम दोनों एक दूसरे पर भरोसा रखेंगे। तो वो भी उसे माफ कर देती है। वो कहता है प्लीज मुझे आगे से इग्नोर मत करना। मोमो हाँ करके उसे किस करने लगी थी। इधर यिन एक एम्प्लॉय को कहती है तुमने इतनी ज्यादा मेहनत की, उस मोमो से ज्यादा तुमने काम किया पर सैलरी उसे ज्यादा मिली, लड़की को मोमो के खिलाफ भड़का दिया था। तो वो जाकर मोमो के फाइल फेंक देती है और कहती है मुझे पता है जरूर तेरा मैनेजर के साथ चक्कर चल रहा होगा। तो मोमो उसके थप्पड़ मार देती है। वो लड़की गुस्से उसके मारने वाली थी तो उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे जोर से धक्का मार देती है कि मैं चाहूँ सिर्फ थप्पड़े पे थप्पड़ा बजा सकती हूँ। और अपनी फाइल उठाने लगी थी, वो लड़की दोबारा से उसके मारने लगी थी। जी चैंग आ जाता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मोमो तुम ठीक हो ना। वो कहती है तुम तो वही हो ना, अंदर कैसे घुसा है, सिक्योरिटी इसे बाहर निकालो। जी चैंग कहता है अभी बाहर मैं नहीं तुम निकलोगी। हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को बुली करने की। ये नाकर कहती है सॉरी बॉस ये अभी न्यू है ना। वो लड़की कहती है बॉस ये इस कंपनी का सीईओ है, और माफी मांगने लगी थी बट वो उसे फायर कर देता है और गार्ड पकड़ के ले जाते हैं उसे। इनका ये प्लान फेल हो गया था तो सोचती है दूसरा प्लान बनाऊंगी मैं। इनफैक्ट जी चैंग मोमो का फोन देने आया था क्योंकि वो भूल गई थी। जिन बीच में बोले जा रही थी तो वो जिन को डांट कर चला जाता है। इनको पता चलता है बाई फैमिली तो मोमो के बायोलॉजिकल मॉम डैड है और फोन करती है तुम्हें बाई कंपनी के साथ कॉन्टेक्ट करना चाहिए और सुना है उनकी बेटी भी बहुत ब्यूटीफुल है। इधर बाई फैमिली यानी यान के मॉम डैड उसे कहते हैं तुम्हें न्यू चीफ से मिलना होगा, उसे खुश करना होगा। पर यान मना कर रही थी क्योंकि चीफ काफी बुढ़ा है, पर वो बुढ़ा उन्हें 200 मिलियन देगा इसलिए उसके मॉम डैड फोर्स कर रहे थे। यान भी मान जाती है। यान जा रही थी पर यिन उसकी भागने में हेल्प करती है कि तुम्हारी जगह वो मोमो चाहेगी। यान जाते हुए देखती है मोमो जी चैंग के बड़े भाई हाओ के साथ तो उसका पीछा करती है और यिन से कहती है जी चैंग को बता दो। इधर हाओ और मोमो मास्क पहन के आ गए थे हॉस्पिटल में और मेडिसिन की फोटो खींच के ले जाते हैं और दोनों भाग गए थे। इनफैक्ट वो उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हाओ के फ्रेंड के डैड बीमार थे और उन्हें लग रहा था कि हॉस्पिटल वालों ने मेडिसिन में गड़बड़ की है। वो दोनों हंस के बात कर रहे थे। यिन कहती है देखो तो सही तुम्हारा जी चैंग के बड़े भाई के साथ भी चक्कर चल रहा है। हाओ हैरान तुम जी चैंग की वाइफ हो और वो भी हैरान तुम उसके बड़े भाई हो। यिन उसे धक्का मारने लगी थी तो मोमो उसके थप्पड़ मार देती है। वो दोबारा कुछ करती हाओ उसे पकड़ लेता है और मोमो को कार में बैठने को कहता है। इतने में वहाँ पे जी चैंग आ गया था और मोमो को कार में बैठने को बोलकर आकर हाओ को गुस्सा मारता है तेरी हिम्मत कैसे मेरी वाइफ के पीछे पड़ने की। हाओ कहता है मुझे नहीं पता था वो तेरी वाइफ है। दोनों लड़ने लगे थे तो मोमो ने शांत करती है। जी चैंग कहता है आगे से मेरी वाइफ के आसपास मत भटकना। हाओ कहता है तेरी वाइफ को भी हक है वो किसी के साथ भी फ्रेंडशिप कर सकती है। पर जी चैंग मोमो को पकड़ के ले गया था। हाओ कहता है मैं मोमो पे गिव अप नहीं करूंगा। मोमो जी चैंग को बताती है कि हाओ ने मेरी हेल्प की थी जब मैं रास्ते में बेहोश हो गई थी। वो कहता है तुम बेहोश हो गई थी तुम ठीक तो हो ना। तो कहती है हाँ मैं अभी ठीक हूँ। बट वो अपने असिस्टेंट को फोन करता है जल्दी से जल्दी डॉक्टर का इंतजाम करो मोमो का पूरा बॉडी चेकअप करवाना है। वो कहती है बस बस मैं ठीक हूँ। बट वो उसका हाथ पकड़ कहता है तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। तो वो खुश होती है और उसे किस कर देती है। हाओ ने दूर से खड़ा देख रहा था और जी चैंग कार भगा लेता है जबकि हाओ गुस्से में था। जिन कहती है ये वाला प्लान भी फेल। और फिर मोमो को कॉल करती है कि कंपनी की बहुत इम्पोर्टेंट क्लाइंट से बात करनी है तुम्हें जाकर उन्हें ये फाइल देनी है। मोमो उस एड्रेस पे फाइल देने चाहती है। इधर जी चैंग एक क्लाइंट के साथ बिजी था तो जिन जानबूझ के उसके फोन के ऊपर वाइन करा देती है और कहती है भीग गया है मैं इसे अभी ड्राई करके लाती हूँ और सोचती है मोमो को कोई नहीं बचा पाएगा। मोमो फाइल देने आती है बट वो आदमी पकड़ के उसे अंदर खींच लेता है। उसके साथ बदतमीजी करने लगा था तो वो लात मार के बचाने लगी थी और जल्दी से वॉशरूम में जाकर अंदर से गेट लॉक कर लेती है। फिर वो जी चैंग को फोन करने लगी थी बट वो उसका फोन ही नहीं उठा रहा था क्योंकि फोन तो जियन के पास था। तभी मोमो को याद आता कि उसके पास हाओ का भी नंबर है तो वो उसे कॉल कर देती है। हाओ उसे बचाने आता है और गुंडे को धो डालता है। मोमो की चोट लग गई थी वो बेहोश थी तो वो उसे गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है और बॉडीगार्ड्स पकड़ के उस आदमी को खूब मारते हैं।
इधर जीचैन को हाओ का फोन आता है जो कहता है अभी के अभी मोमो को डाइवोर्स देते हैं। तू उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता तो मैं प्रोटेक्ट करूंगा, अभी के अभी हॉस्पिटल आ। जैसे वो हॉस्पिटल आता है वो उसे गुस्सा मार देता है, मैंने ये मोमो के लिए मारा है, तू हस्बैंड होके वाइफ को नहीं प्रोटेक्ट कर सकता। वो कहता है क्या हुआ मोमो को, हाँ उसको कॉलर पकड़ने लगा था बट वो उसका हाथ छुड़ा के मोमो के पास जाता है और जाकर मोमो से सॉरी बोलता है। फिर वो पूछता है किसने किया ये सब, हाँ वो बताता है तो कहता है अब वो नहीं बचेगा और जाते जाते उसका थैंक यू कर जाता है। फिर वो अपने बॉडीगार्ड्स लेके गुस्से से उस होटल में आता है कि अगर 2 मिनट में तुम्हारे होटल का चीफ नहीं आया तो वो बैंकक्रप्ट। चीफ आता है तो उसे लाफ मार देता है, तेरी हिम्मत मेरी वाइफ को टच करने की? तो चीफ बता देता है कि बाई फैमिली ने अपनी बेटी को 200 मिलियन के लिए बेच दिया था। यान घर पे आती है पर उसके डैड उसके थप्पड़ मार देते हैं कि तूने अपनी जगह मोमो को भेज दिया, अब तो हमारी फैमिली गई काम से। तभी जीचेंगा चाहता है और उसके डैड को पकड़ लेते हैं बॉडीगार्ड्स और उसे खूब मारते हैं। वो चिल्ला रहा था तो कहता है तुम्हारा घर अब मेरा हो गया। यान भाग गई थी तो उसके पीछे बॉडीगार्ड लगा देता है। हाओ हॉस्पिटल में मोमो को ध्यान रख रहा था, तभी हाओ का फ्रेंड आता है और मोमो को देखने लगा था। अरे ये तो बिल्कुल मेरी मॉम जैसी दिखती है, क्या ये मेरी बहन है? तुम्हें पता है मेरी बहन बचपन में खो गई थी। बट हाओ उसे पकड़ के ले जाता है, लग रहा है पागल हो गया। फ्रेंड रुकी नहीं रहा था, फ्रेंड बार बार उसे अपनी बहन बोल रहा था तो हाओ उसे मोमो का बाल दे देता है कि इसे डीएनए टेस्ट करा लेना। इतने में वहाँ पर जीचंग आ गया था, फ्रेंड पूछता है ये कौन है? हाओ कहता है मोमो का हस्बैंड। ही वाज लाइक ओ, हाओ कहता है अपनी वाइफ का अच्छे से ध्यान रखना वरना मैं उसे तुमसे छीन लूंगा। जीचंग कहता है सोचना भी मत, वो सिर्फ मेरी है। फ्रेंड अपने मोमो को कॉल कर देता है, एक लड़की बिल्कुल आपकी जैसी दिखती है, जरूर वो मेरी बहन होगी और आपकी खोई हुई बेटी। मॉम भाग के आती हैं तो डॉक्टर बताती है कि वो सच में आपकी बेटी है, डीएनए टेस्ट से प्रूव हो गया। तो बड़ा खुश होती हैं कि आखिर उन्हें बिछड़ी हुई उनकी बेटी मिल गई। मोमो की आईज खुलती हैं तो कहता है तुम ठीक तो हो ना? वो कहती है आखिर तुम आ गए। तो जीचंग कहता है उस रात यिन ने मेरा फोन खराब कर दिया था, ये फिर से वही, उसी ने मुझे वहाँ भेजा था। तभी वहाँ पर रिपोर्टर्स आ जाते हैं और यान की मॉम भी, और चिल्लाने लगी थी कि ये मेरी बेटी है जिसने हमारा घर छीन लिया। मोमो मुंह छुपा रही थी बट जीचंग के कहने पे बॉडीगार्ड्स रिपोर्टर्स को बाहर कर देते हैं। मॉम फिर भी चिल्लाए जा रही थी कि मेरी बेटी और उसके हस्बैंड ने मिलकर हमें धोखा दिया। तभी वहाँ मोमो की रियल मोमा चाहती हैं कि झूठ मत बोलो, मोमो मेरी बेटी है, और डीएनए टेस्ट रिपोर्ट दिखाती है तो रिपोर्टर्स वाले लाइक ये झूठ बोल रही थी और चले जाते हैं। उसकी मॉम आकर मोमो को हाथ पकड़ लेती है तो वो कहता है कौन हो तुम? तो बताती है कि मैं मोमो की मॉम हूँ, और डीएनए टेस्ट रिपोर्ट दिखाती है और डीएनए टेस्ट दिखाती है और फिर मोमो को हक कर रोने लगी थी। मोमो पूछती है मैं कैसे खो गई थी? तो उसकी मॉम बताती है कि मेरे और तुम्हारे डैड के बीच में झगड़ा हो गया था, तुम्हारे डैड तुम्हें लेकर गए थे पर उनसे तुम खो गई और हम दोनों तब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं बट तुम्हारे डैड पागल हो गए। मोमो ने मॉम कहती है तो बड़ा खुश होती है। जीचंग सोचता है यानी मोमो यहाँ की सबसे रिचेस्ट लेडी की बेटी है। मिस्टर फू मोमो की अडॉप्टेड मॉम के घर जाता है और उसे पकड़ लिया था कि सच्चाई बताओ, तो बताती है कि मैंने बाई फैमिली की बेटी छुड़ा ली थी पर वो बीमार होकर मर गई, पर बाई फैमिली मुझसे दूसरी बेटी मांग रही थी इसलिए मैंने किसी और की बेटी चुरा ली जो मोमो है। तो जीचंग उसे जेल में भिजवा देता है। मोमो जीचंग से बात कर रही थी बट मॉम पकड़ के फोन काट देती है और कहती है मुझे पता है तुम्हारी जबरदस्ती जीचंग से शादी हुई है पर अब मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हें जबरदस्ती की शादी निभाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए हाउस सबसे अच्छा है, वो तुम्हारा कितना अच्छे से ध्यान रखता है। मोमो कहती है मैं और हाउस सिर्फ फ्रेंड्स हैं। तभी हाउस के लिए फ्लावर्स लेके आ जाता है और पूछता है तुम ठीक हो? वो कहती है थैंक यू मुझे बचाने के लिए। जीचंग मोमो से मिलने आता है बट वो चली गई थी और उसकी मॉम कहती है मुझे मॉम मत बोलो, मेरी बेटी तुम्हारी वाइफ नहीं है। वो बताता है कि मैं मोमो से बहुत लव करता हूँ बट मॉम यकीन नहीं करती क्योंकि वो तो मोमो को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाया। तभी मोमो चाहती है और कहती है हमें जो सब कुछ हुआ है उसके बाद हमें थोड़ा टाइम की जरूरत है। उसका भाई आकर कहता है तुम बहुत बिजी रहते हो ना, तो मैं अपनी भी सिस्टर का ध्यान रख लूंगा, और मोमो को ले जाने लगा था, वो उसका हाथ पकड़ता है बट वो चली गई थी। मोमो घर पे आकर अपने डैड से मिलती है बट वो पागल हो गए थे और यही बड़बड़ाए जा रहे थे कि मुझे अपनी बेटी को ढूंढना है। मोम कहती है अब मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, कोई तुम्हें बुली नहीं कर पाएगा। मोमो कहती है ओके मोम मैं जीचंग की कंपनी से रिजाइन कर दूंगी और आपके और डैड के साथ रहूंगी। तो मोम उसे हकड़ लेती है। जीचंग इनका गला घोटने लगा था कि तुमने मेरी वाइफ को होटल में भेजा था, कहती है पर मुझे नहीं पता था ये सब हो जाएगा, मैंने तो प्रोजेक्ट के लिए भेजा था। वो कहता है अगर मुझे पता चला इस सब के पीछे तुम हो तो तुम नहीं बचोगी। फिर ये र्यूमर्स फैला देती है कि जीचंग अपनी वाइफ मोमो को डाइवोर्स दे रहा है और मोमो प्रेग्नेंट थी, उसने अबॉर्शन करा लिया, तो सब लोग उसके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे। मोमो उनसे बात करने लगी थी पर फिर बेहोश हो जाती है। तभी जीचंग आकर उसे गोद में उठाकर ले जाने लगा था और उसे हॉस्पिटल आता है, पर मोमो की मोम आते उसके थप्पड़ मार देती है। वो कहता है सॉरी मोम,
पर मैं जल्दी सब कुछ ठीक कर दूंगा। और असिस्टेंट को पता लगाने कहता है। मोमो जीचन से कहती है, मैं तुम्हारी कंपनी से रिजाइन कर रही हूँ। मोमो का जीचन को फिर से थप्पड़ मार देती है कि तेरी कंपनी के लोगों ने मेरी बेटी को बुली किया। वो सॉरी बोलता है, बट मोमो कहती है हमें डाइवोर्स कर लेना चाहिए। वो रोता उसका हाथ पकड़ रहा था, बट मोमो उसका हाथ छुड़ा देती है। इतने में हवा चाहता है और कहता है, तुम अब इसका पीछे छोड़ दो क्योंकि मैं अब मोमो को प्रोटेक्ट करूंगा। मोमो जीचेंग की रिंग निकाल के दे देती है। जीचेंग कहता है मैं दोबारा फिर आऊंगा। जीचेंग ने र्यूमर्स फैलाने वालों पे केस कर दिया था। ये न्यूज मोमो भी देख लेती है। जीचेंग उसे बाहर से देख रहा था तो नर्स कहती है, तुम क्या छाक रहे हो, स्टॉकर हो? मोमो गेट खोल के कहती है, नहीं ये मेरा हस्बैंड है। जीचेंग कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा। और अपने फोन में रिंगटोन बजाता है जिसमें वो बोल रहा था कि मेरी वाइफ सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर उसे जरूरत होगी सबसे पहले मैं जाऊंगा उसे प्रोटेक्ट करने। और बताता है कि जब भी तुम डेंजर में हो तो इस नंबर पे कॉल करना और रिंगटोन बजने लगेगी तो मैं तुम्हें एकदम से प्रोटेक्ट करने आ जाऊंगा। मोमो हंसने लगी थी और कहती है तुम सीओ के ये रिंगटोन यूज करोगे सब हंसेंगे। वो कहता है वाइफ के लिए तो कुछ भी करेंगे। तो मोमो भी उसे माफ कर देती है और वो उसे रिंग पहना देता है। तभी हावा जाता है और कहता है क्या तुम मुझे एक चांस नहीं दोगी? वो कहती है सॉरी पर मैंने हमेशा तुम्हें अपना फ्रेंड समझा है। जेलस चीचिंग कहता है अभी निकलो यहाँ से। रिंग पहनाने के बाद फिर वो उसे किस करने लगा था। फिर वो दोनों यीचेंग की मॉम की रेपे आते हैं तो यीचेंग कहता है मॉम देखो मैं आपकी बहू को आपसे मिलवाने लाया हूँ, आपसे मैं मोमो को हमेशा खुश रखूंगा। और दोनों ग्रैंडमा से मिलने जाते हैं तो ग्रैंडमा खुश होती हैं। फिर वो दोनों जब शॉपिंग करने के लिए जा रही थी और वहाँ किडनैपिंग कर आती है, ग्रैंडमा को गिरा के मोमो को बेहोश करके वो ले जाते हैं। ग्रैंडमा यीचेंग को फोन कर देती है। मोमो होश में आकर खुद को बचाने लगी थी पर वो गुंडा उसके मारता है। तभी यीचेंग आकर उसे धो डालता है क्योंकि उसे डेंजर का पता चल गया था और वो गुंडे को खूब मारता है। उसे बॉडीगार्ड पकड़ लेते हैं तो उससे पता चलता है कि ये सब यिन ने करवाया है पर वो भाग गई। तभी वो दोनों देखते हैं यिन फोन पे बात कर रही है और उन दोनों को देख बाहर आ जाती है क्योंकि उसे नहीं पता था उनको उसकी सच्चाई पता चल गई। मोमो उसके थप्पड़ मार देती है। वो वापस मारने लगी थी तो यीचेंग हाथ पकड़ के उसे धक्का मार देता है और बॉडीगार्ड उसे पकड़ के ले जाते हैं। फिर वो दोनों खुश थे। मोमो की मोमो से फोन कर कहती है जीचेंग को थैंक यू बोलना। शी वाज लाइक क्या? तो मॉम कहती है और नहीं तो क्या, जब तुम दोनों एक दूसरे को इतना लव करते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। और दोनों बड़ा खुश होते हैं क्योंकि अब मॉम की भी परमिशन मिल गई और किस करते हैं। तो इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।